हेलो दोस्तों, आज हम बनाएंगे नमक पारा। जिसके लिए चाहिए हमें 250 ग्राम मैदा, एक चम्मच अजवाइन, नमक स्वाद अनुसार, दो चम्मच तेल। पहले बनाना शुरू करते हैं। हम एक बर्तन ले लेंगे, उसमें मैदा डालेंगे, एक चम्मच छोटे चम्मच से अजवाइन, नमक स्वाद अनुसार, छोटे चम्मच से आधा चम्मच लाल मिर्ची पाउडर कश्मीरी, ऐसे मिक्स कर लेंगे। ऐसे अच्छे से मिक्स कर लें। अब इसमें तेल डालेंगे, थोड़ा थोड़ा तेल डालकर इसे मिला लें। इसे अच्छे से मिक्स कर लें। और हमारे मैदे का कलर भी चेंज हो गया है। इसे अच्छे से मिक्स करें। इसे दोनों हाथों से ऐसे मीज ले, हाथों में लेकर अब इसे हाथों में लेकर ऐसे मुट्ठी बंधे, बस ऐसे करना है। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसे गूंथ ले। सख्त, देखिए हमने सख्त आटा लगा लिया है। अब इसे 10 मिनट के लिए रेस्ट होने के लिए रख देंगे। 10 मिनट हो गए हैं। अब इसे थोड़ा सा और ऐसे गूंथें। अब इसके हम 4 लोइयां बना लेंगे। अब थोड़ा सा हाथ में लोई में तेल लगा लें, इस तरह से बेल लें। इसे ज़्यादा ना पतला बेलें ना ज़्यादा मोटा बेलें। देखिए हमने बेल लिया है। अब इसे हम काट लेंगे। आपको जो भी शेप देना है आप दे दीजिए।
तेल हमने गरम होने के लिए रख दिया है। अब इसी तरह हम सारे बना लेंगे। इस तरह से बेलकर प्लेट में सारे निकाल लें। देखिए इस तरह से करें, तेल हमारे गरम हो गए हैं। अब इसमें डालेंगे हम नमक पारा। ये चिपक गया है तो टेंशन ना लें, इसमें तेल में डालकर इसे ही ऐसे करें और ये खुद ही अलग हो जाएंगे। ऐसे चलाते रहें। लो फ्लेम में इसे रोस्ट करें, गोल्डन ब्राउन करें। हमारे गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। क्रिस्पी खस्ता नमक पारे बन गए हैं अब हमारे। इसी तरह हम सारे बनाएंगे। देखिए हमारे नमक पारे बन गए हैं। अब